दोस्तों आज हम आपको एक हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट मेमोरेबल इवेंट था। इस इवेंट को कोई भी आज तक भूल नहीं पाया है और आपने भी इस इवेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग मैस्केट के बारे में। ये बहुत ही मेमोरेबल इवेंट था और ये आज हम सभी के दिलों में अभी भी जिंदा है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी डिटेल में आपको एक बताते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में 19 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा जमा हुई थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी जिसमें 400 से भी अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई और 2000 से भी अधिक लोग घायल हो गए। अमृतसर के डेप्यूटी कमिश्नर कार्यालय में सिर्फ 484 शहीदों की सूची दी। सैनिकों ने बाग को हर तरफ से घेर लिया और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा हुआ एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता ही जरूरी था और चारों तरफ से मकान से घिरा हुआ था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये मानो कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए और देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था जिससे घायलों का इलाज के लिए भी वे कहीं नहीं जा सकते थे। लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ना शुरू कर दिया। ये इवेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था और यह घटना आज हत्याकांड की थी। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप जलियांवाला बाग जाए तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।